पांचवी क्लास में हम देखेंगे कि जो असाइनमेंट नंबर हमारा 24 था, उसमें जो ये वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमको तीन लूप का यूज करके बनाना था। तो आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि रो की संख्या यहाँ पर 5 है इन दोनों ही क्वेश्चन में, कॉलम की संख्या भी 5 है, लेकिन ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, वो लेफ्ट साइड से ऐसा लेफ्ट एज जो है वो टच नहीं हो रही है। यहाँ पे ब्लैंक एरिया है, ये ब्लैंक एरिया है, क्लियर है, ये ब्लैंक एरिया है। तो जो भी पैटर्न लेफ्ट में टच होता है, ऐसा जैसे ये है, ये सारे पैटर्न, तो उनके लिए दो लूप की जरूरत पड़ती है, और जो लेफ्ट में टच नहीं होता है उनके लिए तीन लूप की जरूरत पड़ती है। इसका कारण भी जान लीजिए कि यहाँ पर दो लूप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर भी दो लूप की जरूरत पड़ेगी, एक लूप इसके लिए और एक लूप इसके लिए। असल में ये दो ट्राइंगल होते हैं, लेकिन इस ट्राइंगल को हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर भी दो ट्राइंगल है, जो ये वाला ट्राइंगल है इसको हम इग्नोर कर चुके हैं क्योंकि ये राइट साइड में है, इसको हम वर्क नहीं करते। अगर इस पर भी वर्क करते तो यहाँ पर भी तीन लूप की जरूरत पड़ती। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ भी दो ट्राइंगल है जिसको हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है, ये वाले को लेना है और इसको लेना है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमको बनाने पड़ेंगे। तो दो ट्राइंगल बनाना है तो निश्चित सी बात है तीन लूप लगेगा, और ये ऐसा होगा, एक रो के लिए एक लूप होगा, अंदर एक ट्राइंगल के लिए लूप होगा, कॉलम वन बोलेंगे जिसको, जो इसको बनाएगा, और कॉलम टू के लिए एक लूप होगा जो इसको बनाएगा, ये वाले को। तो बहुत ही सिंपल सा इसमें तीन लूप का लॉजिक लगता है। इसको एक तरीके से और समझते हैं, ये जो हमारा, मान लीजिए ये वाली लाइन प्रिंट करनी है हमको यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक प्रिंट होगा, तीसरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक प्रिंट होगा, चौथी लाइन में यहाँ से यहाँ तक प्रिंट होगा, और पांचवी लाइन में यहाँ से यहाँ तक प्रिंट होगा। तो लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं, तो एक लाइन प्रिंट करते समय यहाँ पर देखिए चार ब्लैंक स्पेस है और एक स्टार है, फिर यहाँ पर तीन ब्लैंक स्पेस है, दो स्टार है, फिर यहाँ पर दो ब्लैंक स्पेस है, तीन स्टार है, एक ब्लैंक स्पेस है, चार स्टार है, और जीरो ब्लैंक स्पेस है, पांच स्टार है। तो जो ब्लैंक स्पेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और स्टार जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो असल में स्टार बढ़ने वाला जो पैटर्न है वो ये है, ये वाला, और कम होने वाला पैटर्न है जो ये है। तो अगर ये दोनों पैटर्न को हम मिला दें इस तरीके से, इसको जब अलग करेंगे तो ये ऐसा पैटर्न बनेगा, एक ये वाला पैटर्न बनेगा और एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा। तो ये पैटर्न का जो कोड है वो इससे मिलता जुलता मिलेगा, इससे मिलता जुलता मिलेगा, और ये जो ट्रायंगल का कोड है वो इससे और इससे मिलता जुलता मिलेगा। तो चलिए लॉजिक देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, इसका कोड हम करते हैं विजुअल बेस पहले, और विजुअल बेसिक ओपन कर लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे हम लोग, और पैटर्न हमको बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, तो फॉन्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने फॉन्ट बड़ा किया और यहाँ पर P7 लिख देते हैं, क्योंकि P6 तक हम पहले कर चुके हैं, P7 और P8 करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सिंपल पैटर्न जनरेट करते हैं जो रिवर्स ऑर्डर में हमको यहाँ पर देगा। यहाँ पर डिम आर एज इंटीजियर, पुराना कोड है, डिम सी एज इंटीजियर, लोअर कॉलम के लिए बनाया, और हम लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप से बनाएंगे पहले। और आपको मालूम है बाहर वाला जो लूप रहता है वो रो के लिए होता है, तो ये बाहरी लूप बनाया हमने, और इसका जो पैटर्न है बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर सी इक्वल टू 1 to 5, मैंने पुराना ही बनाया है अभी, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर करेंगे प्रिंट। अभी मैं सबसे पहले स्टार प्रिंट करता हूँ, और आपको पता है कि यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। तो ये पांच रो पांच कॉलम का एक पैटर्न जनरेट करेगा जो बहुत सिंपल पैटर्न था। अब हमको इस पैटर्न को कुछ कट करना है, कट कैसे करना है वो भी आप देखिए, हम अपने गोल को अचीव करेंगे। हमारा गोल ये है और हम अभी ये वाला पैटर्न का डिज़ाइन बना रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है बना रहे हैं, तो ऐसे नीचे जाने वाला पैटर्न बनाना है हमको, ये वाला जो बिल्कुल इससे मैच खाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसा पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला है कि रो की संख्या 1 है तो इसकी संख्या 5 है, कॉलम की संख्या, यानी रो बढ़ रहा है और कॉलम कम हो रहा है,
जस्ट इसके लिए सिंपल हमारे पास लॉजिक था, रो बढ़ना और कॉलम कम करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 6 माइनस आर, यानी कि रो पे डिपेंड हो रहा है और रो जैसे जैसे बढ़ेगा कॉलम वैसे वैसे कम होगा। तो देखिए आपके पास एक ऐसा पैटर्न आ चुका है, लेकिन इस पैटर्न को आपको क्या करना है कि ये ब्लैंक स्पेस का पैटर्न है, यानी यहाँ पर स्टार प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर मैं ब्लैंक स्पेस को तो हालांकि दिखा नहीं सकते हम लोग ब्लैंक स्पेस को, इसलिए मैं यहाँ पर छोटा सा डॉट दे देता हूँ। तो आपको ये जो पैटर्न है वो ऐसे प्रिंट होगा, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस, यानी 4-5 ब्लैंक स्पेस होंगे और एक स्टार होगा इसके बाद। फिर 4 ब्लैंक स्पेस होंगे, 2 स्टार होगा, 3 ब्लैंक स्पेस होंगे, 3 स्टार होगा, 2 ब्लैंक स्पेस होंगे तो 4 स्टार होगा, 1 ब्लैंक स्पेस होंगे तो 5 स्टार होगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जब स्टार बनेगा ऐसा बन जाएगा, और ये चीज़ आपको विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही है, तो आपको ऐसा पिरामिड जैसा शेप दिखाई देने लगेगा। क्लियर है? लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये जो प्रिंटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि आपको एक लाइन में स्टार, सॉरी स्पेस और स्टार एक साथ प्रिंट करना होता है, फिर अगले लूप में स्पेस और स्टार, फिर ऐसा प्रिंटिंग होती है। पहले ये हिस्सा प्रिंट हो गया, फिर ये हिस्सा प्रिंट नहीं होता है, लाइन बाय लाइन प्रिंट होता है। तो चलिए उसको देखते हैं, लाइन बाय लाइन को प्रिंट करते हैं, उसके बाद फिर ये डॉट को गायब कर देंगे। तो लाइन बाय लाइन को प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम 2 कॉलम लेंगे, C1 और C2। तो मैं इसको C1 कर देता हूँ, क्लियर। और यहाँ पर फिर लेते हैं C1 और C2, क्योंकि 2 कॉलम के लिए हमारे पास 2 अलग अलग पैटर्न है, 3 पैटर्न होते तो C1 C2 C3 लेते हैं। और सेम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब मैं कॉपी कर लिया हूँ और ये C2 कर देता हूँ, इसको C2 करने के बाद जो दूसरा हमारा पैटर्न है वो अलग डिज़ाइन में है। दूसरा हमारा पैटर्न जो है ये वाला, ये पैटर्न जो है वो रो की संख्या बढ़ रही है तो कॉलम भी बढ़ रहा है, मतलब रिवर्स पैटर्न में है। तो उसके लिए हमारे पास पुराना लॉजिक वही है कि रो की संख्या बढ़ेगी तो कॉलम की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर सिंपल आर लिखना है। लेकिन यहाँ पर मैं स्टार को प्रिंट करता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक पैटर्न रेडी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने लॉजिक में। अब जैसे मैं यहाँ पे रन करूँ दिखाई देगा कि 5 यहाँ पर वो दिखाई दिया और एक स्टार आया, फिर 4 ये आया, फिर 2 स्टार आया, 3, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर 2 अलग अलग पैटर्न है, एक पैटर्न है ये वाला और एक पैटर्न है ये वाला, ठीक है, जिसमें अगर मैं ये वाला जो डॉट वाला हिस्सा है उसको गायब कर दूं, ये डॉट वाले हिस्से को गायब कर दूं, तो आपका पैटर्न मिल जाएगा। तो हम उसको गायब कर देते हैं। गायब कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लिख देंगे। ये यहाँ पर अक्सर लोग गलत करते हैं, ऐसा स्पेस नहीं छोड़ते हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर ब्लैंक स्पेस कर दिया। देखिए जो हमारा जो ये वाला हिस्सा था यहाँ पर डॉट आ रहा था, वो वाला हिस्सा हमारा गायब हो गया और हमारा पैटर्न लगभग पिरामिड जैसा दिख रहा है। अब इसको और पिरामिड वाला शेप देना है तो कुछ नहीं करना है, इसके बाद एक स्पेस दे दीजिए आप, तो ये दोनों साइड जो है वो बराबर रिफ्लेक्शन आपको देगा। ये पिरामिड वाला शेप आपके पास आ गया है असाइनमेंट नंबर 24 का जो 7th पैटर्न है। क्लियर है? तो 7th पैटर्न में असाइनमेंट नंबर 4 का 7th पैटर्न आपने ये बनाया, और साथ ही साथ हम अगला भी पैटर्न इसमें देख लेते हैं। ये पैटर्न और ये पैटर्न में सिर्फ एक ही अंतर है। देखिए 7th और 8th में क्या अंतर है, 7th जो है वो इस 7th में जो ये एंगल बना है वो ऐसा है, और 8th में जो एंगल बना है वो ऐसा है, पिरामिड दोनों साइड है। ये थोड़ा देखने में टेढ़ा दिख रहा है लेकिन ये ऐसा है, वो स्पेस की वजह से हुआ है, और ये जो है पिरामिड शेप में है। इसको कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, 7th और 8th असाइनमेंट जो है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं स्पेस हटा देता हूँ, ये वाला ये स्पेस मैंने हटा दिया, तो आप देखेंगे कि क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 बन गया और सेम सॉरी पैटर्न नंबर 7 बन गया। और मैं एक और यहाँ पर बनाता हूँ 8, सेम P7 का जो कोड है मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना है, सेम कॉपी करना है, केवल इसके आगे एक स्पेस लगा देना, सिर्फ 7th और 8th में सिर्फ यही अंतर है। अब आपको पता चलेगा कि 7th का जो आउटपुट है और 8th का जो आउटपुट है दोनों में क्या अंतर है।
ये असाइनमेंट नंबर 7 और 8 जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया फॉर लूप से, यानी असाइनमेंट नंबर 24 है जिसका 7th और 8th पैटर्न है।